तो पार्ट वन में हमने देखा कि अल्बिनो के ऊपर पूरे एक्सपेरिमेंट की बिजली गिर जाती है, पर उसे कुछ भी नहीं होता। असल में उसे ये पावर बचपन से ही मिली है। दरअसल जब वो अपनी माँ के पेट में था तभी उसकी माँ तेज बारिश में कहीं जा रही होती है, पर अचानक उस पर बिजली गिर जाती है और जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो बच्चे को जन्म देते हुए उसकी मौत हो जाती है। अब डॉक्टर उस बच्चे के पिता को बताता है कि इस बच्चे को एक अनोखी बीमारी है जिसमें पूरा शरीर सफेद पड़ जाता है और पूरे शरीर में एक भी बाल नहीं होते। अब उस बच्चे के पिता उसे देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि उसने कभी ऐसा बच्चा नहीं देखा था, और वो उसे एक अशुभ बच्चा मानने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि उस बच्चे की वजह से ही उसकी पत्नी की जान गई है, जिससे वो उस बच्चे को अपने पास रखने के लिए मना कर देता है, जिससे उस बच्चे के दादा उसे अपने पास रखते हैं। पर उस बच्चे को अनोखी बीमारी होने के कारण वे उसे दुनिया से छुपाकर एक तहखाने में रखते हैं और वहीं उस बच्चे की परवरिश होने लगती है। अब समय बीत जाता है और उस बच्चे के दादाजी की मौत हो जाती है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जब पुलिस उनके घर पे आती है तो उन्हें उस तहखाने में एक सफेद लड़का दिखाई देता है जो अपना नाम अल्बिनो बताता है